नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री डुक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत बड़े दिनों के बाद जो है हम आपके सामने रूबरू हुए हैं एक वीडियो लेकर, और इस हाथ को पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि इनकी फ्यूचर में क्या कुछ लिखा है। वैसे इनके लाइफ में जो है पैसों की तंगी और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, तो हाथ को देखते हुए हमें बताएंगे कि कब तक ये प्रॉब्लम में सॉल्व आउट होंगी, आगे प्रॉब्लम जो है घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक है, इस हाथ को पढ़ेंगे पूरा। और अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे मैसेज के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद हम पर्वतों की स्थिति को देखेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को देखेंगे। इस तरह पूरा हम प्रेडिक्शन कंप्लीट करेंगे। तो मेरे पास हाथ की पिक्चर्स कम्प्लीटली, इनके हाथ की पिक्चर जो है मेरे पास मौजूद हैं। और देखिए, पहले तो आप यहाँ पर देखिए जो हाथ की संगत कितनी अच्छी है, हाथ की जो बनावट है और शेप काफ़ी अच्छी है। क्योंकि जब आपको ऐसा दिखे कि यहाँ पर लंबाई में हाथ है और फिंगर्स में आपको थिकनेस नज़र आए, सभी फिंगर्स में अच्छी खासी थिकनेस नज़र आए, तो भले ही जीवन में समस्याएँ हैं लेकिन ये ज़्यादातर कामयाब होकर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और एक एज मैं ऐसे प्रेडिक्ट करूँगा जिस एज के बाद इनके पास सब कुछ उनको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फिंगर्स अच्छी हैं, जितनी ज़्यादा फिंगर्स लंबी होंगी उतनी कामयाबी आपको मिलेगी आने वाले टाइम में, और उतनी ही आपके अंदर समझदारी है। कुल मिला के समझदारी तो बहुत ज़्यादा है, और जो हथेली का जो आप कह सकते हैं कि हथेली का शेप है पूरी स्क्वायरिश बन रही है, ऐसा नहीं कि स्क्वायरिश नहीं है, पूरी स्क्वायरिश है। तो मेहनती नेचर, हार्ड वर्किंग नेचर यहाँ पर शो हो रही है। अगर फिंगर्स की हम प्लेसमेंट की बात करें, अगर मैं दूसरी पिक्चर्स में यहाँ पर नज़र ना मारूँ, अगर पिक्चर्स हम देखें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा अच्छा खासी आपको फिंगर्स की लंबाई नज़र आएगी, और गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर आपको दोनों अप्रॉक्स आपको इक्वल होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ज़्यादा इसमें इन दोनों में फ़र्क नहीं दिखेगा। और जब ऐसा होता है तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि जातक का जो भाग्य उदय होता है 45 के अराउंड होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपको मिक्स क्वालिटीज़ दिखे तो व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी जो है कन्फ्यूजन में रहता है, और ये कन्फ्यूजन उसको प्रोग्रेस करने में काफ़ी टाइम लगा देती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जीवन में आपको सभी सुख सुविधाएं, पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि पैसों की दिक्कत है, लेकिन मुझे हथेली के रंगत से, हथेली के शेप से ऐसा यहाँ पर मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर शनि फिंगर की थिकनेस काफ़ी अच्छी है, मोटाई में फिंगर्स हैं, और इसकी जो चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए शनि फिंगर में सब कुछ है। क्योंकि इससे हम प्रोफेशन देखते हैं और रुपया पैसा देखते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली आने वाले टाइम में। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इनकी जो बुध की फिंगर है, बुध की फिंगर के ऊपर बहुत सी खड़ी रेखाएँ आपको दिखेंगी जो जातक को नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे जातक क्या होता है कि नॉलेज काफ़ी अच्छी रखता है, शिक्षा काफ़ी अच्छी रखता है, ऐसे जातक टीचिंग लाइन पे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे जातक के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती हैं, व्यक्ति को सलाह देना और वो काफ़ी अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी दिख रही हो कि जो फिंगर्स है वो फर्स्ट बैलेंस के नीचे आपको जाती हुई नज़र आएगी। ठीक है, थोड़ी सी कमी आपको नज़र आएगी। पोर्स की अगर बात कर लें तो जो पोर्स हैं काफ़ी स्मूथ हैं सूर्य पर्वत को छोड़कर। ठीक है, बाकी पोर्स अच्छे हैं, और अगर सभी पोर्स आपके अच्छे हों तो कामयाबी आसानी से मिल जाती है। सूर्य पर्वत में थोड़े पोर्स की कमी नज़र आ रही है आपको, दिखेगा सभी तीनों पोर्स हैं। उसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे काम या ऐसे कार्य में फंस जाता है जिसकी वजह से उसको बाद में पछतावा हो, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो वो सूर्य पर्वत में नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर आपके पोर्स ख़राब हैं, जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर लें, जितनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर लें, उसका जो फल है आसानी से नहीं मिल पाता है, और दूसरों की जो सलाह है आपको फ़ायदा नहीं दे पाती है, तो यही कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर फिंगर्स में। अगर मैं थंब की बात करूँ, थंब के अगर साइज़ को देखें, थंब काफ़ी लंबा है, लंबाई में थंब है। ठीक है, फर्स्ट पोर इसका बड़ा है, तो विल पावर अच्छी खासी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अगर देखिए ये ऐसी ऐसी हाथ की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है तो डेफिनेटली जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट क्षेत्र में होगा। अगर गवर्नमेंट क्षेत्र में नहीं है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़ा होता है, उससे फ़ायदा उसको अर्न होता है। तो ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। पैसा खूब नहीं आएगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा यव का निशान प्रॉपर रूप से बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हाँ, जो जो ये चाहते हैं वो पूरा कर सकेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, फिंगर से
अगर यहाँ पर मैं माउंट्स की बात करूँ, माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इनके गुरु पर्वत की स्थिति को देखें तो गुरु पर्वत को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, स्पेस में है और कह सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसके ऊपर बहुत सी खड़ी रेखाएँ आपको ऐसे जाती हुई दिखेंगी और जीवन जो है आसान होने वाला है आगे आने वाला, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर गुरु पर्वत पर आपको खड़ी रेखाएँ इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस रेखाएँ दिखें तो आप मान के चले कि जीवन में आपको वो सभी सुख सुविधाएँ और जीवन में हर तरह की तरक्की आपके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और जो जितनी प्रॉब्लम्स इन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं, पर आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि जब जो व्यक्ति जब सभी कुछ अच्छा हो रहा हो, अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम दिखे तो वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिखती है। तो ऐसे ही इनके साथ हो रहा है, क्योंकि गुरु पर्वत पर आपको एक स्क्वायर का निशान आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी कम हाथों में बनता है निशान बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है, टीचिंग प्रोफेशन व्यक्ति होगा तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो गुरु पर्वत में अच्छे फल देने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है इनके शनि पर्वत की, शनि पर्वत पर इतनी ज़्यादा खड़ी रेखाएँ आपको मौजूद आएंगी और दो दो भाग्य रेखाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए पहले तो ये भाग्य रेखा आपको यहाँ पर नज़र आएगी और एक ये भाग्य रेखा आपको नज़र आ रही है और एक यहाँ से ऐसे कुछ नज़र आ रही है। तो इतनी महीन भाग्य रेखाएं, इतनी ब्रॉड भाग्य रेखाएं, ये बताता है कि जातक का भाग्य उदय होने जा रहा है या फिर किस्मत का साथ जो है और दुगनी रफ्तार से इनको मिलने वाला है। और यहाँ पर पैतृक संपत्ति के निशान भी आपको नज़र आएंगे। पैतृक संपत्ति के निशान होते हैं कि व्यक्ति को भाई बहन पिता माता किसी से भी पैतृक संपत्ति मिलती है, या वो घर हो मकान हो जमीन जायदाद कुछ ही मिलने के योग रहते हैं। तो अचानक से धन लाभ के चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भाग्य रेखा जो धन रेखा है प्रॉपर रूप में यहाँ पर शनि पर्वत तक पहुँच रही है, यह सबसे अच्छी बात है। तो इसमें कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। थोड़े से सूर्य पर्वत जो है हल्के से दबाव में है आपको दिखे, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य पर्वत में ही दिक्कत है इनके, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूर्य रेखाएं आपको मौजूद हैं यहाँ पर नज़र आएंगे, एक से ज़्यादा सूर्य रेखाएं मौजूद हैं और एक लंबी सूर्य रेखा भी आपको मौजूद होती नज़र आएगी। लेकिन देखिए सूर्य रेखाएं कुछ रेखाओं से काटी जा रही हैं, आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि सूर्य रेखाएं जो हैं कुछ मंगल रेखाओं से काटी जा रही हैं, आपको यहाँ पर देखिए ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आएगी, ये सही नहीं है। मंगल रेखा से अगर सूर्य रेखा कट रही है तो व्यक्ति अपने डिसीजन के कारण ही फंस सकता है। देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आएगी, देखिए ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे यहाँ पर, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया है कि जब मंगल रेखा से मंगल पर्वत से कोई रेखा निकल कर आपके सूर्य पर्वत को जाए, आपके बुध पर्वत पे जाए, आपको शनि पर्वत पे जाए या फिर आपके गुरु को छोड़कर, ये तीनों नेगेटिव प्रभाव देते हैं। व्यक्ति अचानक से किसी चीज़ में फंस जाता है और उसके फंसने के योग बन जाते हैं, कोर्ट कचहरी का भी चांसेस बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके हाथ में नज़र आ रही हैं, तो इससे चीज़ को आपको बच के रहना है। तो इसलिए कहते हैं सूर्य का थोड़ा उपाय आपको करना पड़ेगा। और साथ में आपको देखिए अगर बुध पर्वत बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुके हैं और इतने ज़्यादा ब्रॉड हैं कि हल्का सा शिफ्ट हो चुके हैं सूर्य की तरफ, तो अगर कर्ज वगैरह अगर लोन वगैरह लेते हैं तो उसको संभल कर, क्योंकि उसमें फंसने का खतरा भी आपके हाथ में दिख रहा है। शुक्र पर्वत अच्छे हैं, शुक्र पर्वत अच्छे हैं तो सुख सुविधाएँ होंगी जीवन में, और चंद्र पर्वत में कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आ रही है। चलिए इनके रेखाओं को देखते हैं, रेखाएं यहाँ पर क्या बोल रही हैं। अब यहाँ पर देखें कुछ जीवन रेखा आपको ऐसी चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि डार्क है, जब आपकी जीवन रेखा डार्क होती है, ठीक है, जीवन रेखा बहुत ज़्यादा डार्क हो और डार्क होती हुई नज़र आए, तो अब मान के चले कि आपको मधुमेह संबंधित परेशानियां होंगी, जो भी शुगर से रिलेटेड दिक्कतें हैं। देखिए पहले तो शुगर वाली दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद जो है आपको हार्ट रिलेटेड दिक्कतें होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तीसरी बात जो है हड्डियों में किसी तरह का वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो दर्द जाएगा नहीं, तो ऐसी दिक्कतें होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा हार्ड इतनी ज़्यादा डार्क जो अगर आपको ये दिखे कि आपकी जीवन रेखा है तो आप थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ा आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हेल्थ रिलेटेड हमेशा दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से आपको दिखेगा, अगर मैं दूसरी पिक्चर में देखूँ इनके, इस पिक्चर में आपको ध्यान से नज़र आएगा कि जो जीवन रेखा है वो थोड़ी ब्रॉड भी हो रही है। जब जब यहाँ पर ब्रॉड हो जाए, यहाँ पर ऐसे कुछ ब्रॉड ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आए, तो आप ये मान के चलें कि जीवन में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक व्यक्ति को परेशान करती है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ से फिश का निशान बन रहा है, तो आने वाले टाइम में पैसा और धन काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग भी व्यक्ति करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर चीज़ें
बेहतर हो रही हैं तो ज़रूर होंगी, क्योंकि उस एज के बाद ये भाग्य रेखा का डबल होना और जीवन रेखा का यहाँ पर निशान बनना ये सही है, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक प्रोग्रेस रेखा बन रही है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ पर एक प्रोग्रेस रेखा बन रही है और ये बन रही है 45 के अराउंड और ये बन रही है 52-53 के अराउंड। ठीक है, तो इसी कालों में व्यक्ति का भाग्योदय होगा, भाग्योदय बहुत ज़बरदस्त होगा, ऐसे छोटा मोटा भाग्योदय होने वाला है। ठीक है, तो हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम हमेशा आएगी और जैसे जो मैंने आपको 3-4 बीमारियाँ बताई उससे रिलेटेड ही दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा जो है आपकी चंद्र पर भी स्टार्ट हुई, काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा मानता हूँ इसे मैं, और अपने मेहनत के बदलूते जो है व्यक्ति जो है तरक्की पाता है और वो दिख रहा है, ऐसे जाते के बाद धन अचानक से बहुत बड़ा आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हाँ एक दिक्कत मुझे नज़र आई, जो भाग्य रेखा इनकी ऐसे बन रही है और कुछ मंगल रेखा ऐसे काटी जा रही हैं, तो इसकी एज अप्रॉक्स अगर मान के चलें 48-50 के अराउंड जो है कोई बड़ी आपको दिक्कत आने के चांसेस हैं, किसी भी कोर्ट के कचहरी का चांस हो जाए, मनी का लॉस हो जाए, कोई धोखा दे जाए, तो ऐसे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि जब ये मंगल रेखा उठ रही है इसने पहले जीवन रेखा को काटा, मस्ती रेखा को काटा, कैरियर रेखा को काटा, हृदय रेखा को काट के जा रही है, मतलब जो मेन रेखाएं हैं उसको काट कर आगे जा रही है, तो इस एज में दिक्कत आना लाजमी है। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा मनी ट्रायंगल है, तो आप कैसे कह सकते हैं पैसा नहीं है? मनी ट्रायंगल जिसके हाथ में बनता है पैसे की कमी नहीं रहती है, व्यक्ति पैसा खूब कमाता है, खूब जमा भी करता है, क्योंकि हथेली का रंगत ही ऐसी है और मनी ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन यहाँ पर जाकर डबल हो रही है, यहाँ से ये एज बन रही है कम से कम मान के चले 62-63 के अराउंड ये जो है ये जो डबल हो रही है, यहाँ से प्रोफेशन में एक बड़ा चेंज आएगा, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपको माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन जाती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, मतलब चीज़ें उसके पास सभी होती हैं लेकिन कोई ना कमी जो है हमेशा लगी रहती है, कोई चीज़ ना पूरी होना, कोई चीज़ फंसी रह जाना, तो ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनें नज़र आ रही हैं, तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह की जरूरत है। जब आपको मस्ती रेखा थोड़ी सी नीचे जाती हुई दिखे तो व्यक्ति के अंदर इमेजिनेशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, इमेजिनेशंस आ जाएंगी, बहुत बहुत जो व्यक्ति सोचने लग जाता है, किसी भी चीज़ को अगर एक बार सोचे तो हमेशा दिन भर उसके दिमाग में वो बात रहती है, तो फोकस ही कमी हो जाती है, तो ये नज़र आ रहा है। हृदय रेखा भी डार्क है, अगर हृदय रेखा की रंगत देखें तो हृदय रेखा भी आपको डार्क नज़र आएगी। मैंने आपको बताया कि हाथ में डार्क रेखा अच्छी नहीं होती है, जब जितनी ज़्यादा रेखा डार्क होगी वो उस लाइन से रिलेटेड और दिक्कतें बढ़ेंगी। अब यहाँ से क्या होता है, जब हृदय रेखा डार्क होती है इमोशंस से कोई खेल जाएगा, कोई भी व्यक्ति आपके इमोशंस को नहीं समझता है, उसकी कदर नहीं करता है। ठीक है, और साथ में आपको हृदय रोगी बना देगा, रक्त से जुड़ी परेशानियाँ हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, भगवान को मानने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हैं, ऐसे जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर दया भावना होती है, किसी के भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, किसी का बुरा ना चाहना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है, तो ये दिक्कतें जो है दिक्कत भी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आज के समय के मुकाबले दिक्कत तो मानी जाएगी, लेकिन किसी को ना नहीं कहना पसंद है, इसको हाँ ही कहेंगे ये। ठीक है, तो ऐसी क्वालिटी नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि अगर आपको पैसे से रिगार्डिंग दिक्कत है तो बहुत जल्द, कम से कम मान के चलें कि 1-1.5 साल में आपकी जाने वाली है, और हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, क्योंकि जो हेल्थ वाली रेखाएँ हैं वो डार्क हैं और उसमें थिकनेस थोड़ी कम नज़र आ रही है, तो जो मैंने आपको बीमारियाँ बताई वो लाइफ टाइम थोड़ी सी रहेंगी। ठीक है, लेकिन मनी की कंडीशन सुधरने वाली है वैलेंटाइन, तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन, इसको आप शेयर करें, अगर आपको अपना हाथ पढ़वाना है तो हमारे साथ जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।